कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल सुरेश पचौरी। कांग्रेस छोड़ने को लेकर क्या बोले पचौरी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले हैं। राहुल का कहना है कि वह देश को जोड़ने की कवायद में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ही दिनों दिन टूटती जा रही है। बीते रोज ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन आज शनिवार 9 मार्च को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस को आज फिर सियासी झटका लग गया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। उनके साथ ही कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुरेश पचौरी को प्रदेश पार्टी कार्यालय में सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पचौरी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पचौरी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले जात पात के आधार पर राजनीति नहीं करने का नारा दिया था, लेकिन अब वह जात पात की ही बात कर रही है। कांग्रेस जनता से दूर होती जा रही है। मैंने कारण बताया आपको कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाने में एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाली पार्टी रही है, इसलिए उसे अपने उस इतिहास को याद करके आज काम करना चाहिए। राम मंदिर, सर राम मंदिर और सेना पर भी आपने बात कही है कि सर राम मंदिर का जो आप ठुकराया है निमंत्रण, जो सेना पर भी सवाल खड़े किए हैं, तो इनसे आप आहत हुए हैं कहीं ना कहीं। मैंने उसी समय बयान दिया था जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना था, उससे पहले मैंने सार्वजनिक बयान दिया था, कांग्रेस में मैं ही था। बता दें कि सुरेश पचौरी कांग्रेस की सरकार में कई मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह लगातार 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। सुरेश पचौरी ने 1972 में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, और वह 1984 में राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 1990, 1996 और 2002 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। एक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन, साथ ही संसदीय मामले और पार्टी के जमीनी स्तर के संगठन कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।